हेलो एवरीवन, दिस इज योर करण। सत श्री अकाल, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो कैसे आप लोग, होप करता हूँ सब अच्छे होंगे, अपना अच्छा कर रहे होंगे। तो भाई आज फाइनली वीडियो आ गई है जो बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। बहुत सारे जन डीएम्स कर रहे थे कि भाई, कमेंट कर रहे थे, परेशान करके रखा हुआ था, कमेंट कर रहे कि भाई वॉशिंग की वीडियो बना दो, वॉशिंग की वीडियो बना दो, एक्सेस को वॉश कर दो, डीओ वॉशिंग वीडियो बना दो, आपकी R15 की वीडियो बना दो वॉशिंग की, आपके बाइक इतनी शाइन करती है, आप क्या यूज़ करते हो, कौन सा पॉलिश यूज़ करते हो। तो मैंने कहा तो मैं पॉलिश कभी यूज़ नहीं करता हूँ, तो आज मैं फाइनली रिवील कर दूंगा कि मैं क्या चीज़ से वॉश करता हूँ, वो क्या लिक्विड है, वो क्या शैम्पू है जो उससे हमेशा वॉश करता हूँ कि मेरा एक्सेस की जो शाइन है वो इतना अच्छा है। ठीक है, तो बिना पॉलिश के इतना अच्छा शाइन है, और डीओ में भी शाइन है, R15 में तो है ही है क्योंकि वो ग्लॉसी है। तो आज वीडियो भाई बना दूंगा, मेहनत करके बहुत दिन सोच रहा था कि वीडियो बनानी है, तो आज फाइनली टाइम निकला। थोड़ी सी मेहनत वाली वीडियो है क्योंकि इसमें सेटअप करना पड़ेगा अपना मोटर का, बटाली मोटर जो मेरे पास है, वॉशिंग वाली जो मोटर है उसका सेटअप करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा काम धाम। तो बाहर खड़ी है एक्सेस, तो वहाँ जाते हैं बाहर पे, फिर सारे बातें वहीं करेंगे, जो काम है वहीं आपको करके दिखाएंगे। तो चलते हैं बाहर पे, सारी बातें वहीं करेंगे। सो गाइस, ये है शैम्पू जिसके बारे में बात कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ देखो लिखा हुआ है EC Star कंपनी का। ठीक है, तो सुजुकी जो रिकमेंड करती है EC Star का शैम्पू, कार वॉश एंड वैक शैम्पू, यहाँ लिखा हुआ पाउच के ऊपर भाई, ये 20 ml का पाउच है। तो यहाँ देख लो भाई, मारुति सुजुकी की ब्रांडिंग है। तो ये जो है पाउच मैं लेके आया हूँ मारुति के सर्विस सेंटर से, और ये जो है 18 rupees का पाउच है। यहाँ लिखा हुआ, आप चेकआउट कर लो, यहाँ पर लिखा हुआ बेस्ट बिफोर 24 months फ्रॉम डेट ऑफ मैनुफैक्चरिंग, मतलब ये 2 साल तक टिकेगा भाई जब से मैन्युफैक्चर हुआ है। तो ये शैम्पू मैं जो हमेशा यूज़ करता हूँ वॉशिंग के लिए, जिसमें आप हमेशा कहते हो कि भाई आपकी एक्सेस हो, डीओ हो, R15 हो, ब्लैक वाली हो, ब्लू वाली, दोनों शाइन करती है, तो यही रीज़न है, इसी से मैं वॉश करता हूँ। तो मैंने कभी बताया नहीं, तो बहुत सारे DMs आ रहे थे, बहुत सारे भाई बोल रहे थे कि भाई वॉशिंग की वीडियो बनाओ, एक्सेस की सबकी वॉशिंग वीडियो बनाओ, और बताओ कि कैसे वॉश करते हैं और क्या मटेरियल आप यूज़ करते हो वॉशिंग के लिए। तो यही चीज़ है, तो 18 rupees का पाउच आता है। ठीक है, तो ये एक पाउच यूज़ होता है एक कार पे, तो ये पाउच मैं अभी पूरे एक्सेस पे यूज़ करूँगा क्योंकि एक्सेस जो है बहुत ज़्यादा गंदी है। आप यहाँ चेकआउट कर लो, ये बारिश का चक्कर में भाई यहाँ पे एकदम मोटा मोटा लेयर जो है इसका पूरा मिट्टी जमा हुआ, टायर अलावा देख लो भाई क्या बुरा हाल है इसका। लास्ट टाइम जब मैंने क्लच का कवर पेंट किया था उसके बाद सुबह ही वॉशिंग गाड़ी को टच भी नहीं किया। तो यही है वो शैम्पू जिसके बारे में हमेशा बात करता हूँ। तो ये आपको मारुति के सर्विस सेंटर या फिर जहाँ स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं ना, वहाँ चल जाओ, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, मारुति का सर्विस सेंटर चल जाओ, वहाँ पे मिल जाएगा ये आपको पाउच, 18 rupees का है। और ये वैक्स शैम्पू है, ये काम करता है वैक्स की तरह, वैक्स का मतलब हो गया आपका पॉलिश जो होता है ना आप यूज़ करते हो, एक होता है पॉलिश शाइनिंग के लिए, एक होता है मैट के लिए। तो इसमें वैक्स शैम्पू है, ये दोनों मिक्स है। तो आपको इसको यूज़ करने से क्या है कि ये देखो, ये जो एरिया देख रहे हो ना यहाँ पे कैसे स्क्रैच हो गए हैं, ये देख लो ये कैसे फेड हो रहा है। ठीक है, ये 6 महीने में ही मेरे 6-7 महीने हो रहे हैं स्कूटी में, तो ये हो रहा है कैसे फेड। ठीक है, तो ये क्या करता है, थोड़ा कवर कर लेता है, ये शैम्पू वैक्स है, तो ये 2 या 3 4 5 वॉश में इसको जो है कवर कर देगा और बाकी स्क्रैच होने से बचाता है। और इस पे जो डस्ट चिपक जाती है ना परमानेंट, ये बॉडी में डस्ट चिपक जाती है जो निकलती नहीं है, कितना वॉश कर लो आप कोई भी यार, हेड एंड शोल्डर वो सब शैम्पू यूज़ करते हो क्लिनिक प्लस 1 rupees वाली, उससे कुछ नहीं होता। और आपका पेंट का जो प्रोटेक्शन है ऊपर का लेयर है वो ख़राब करता है क्योंकि केमिकल होता है। तो यही है कि हमेशा आप वो यूज़ करो वॉशिंग वाला शैम्पू जो जनरली कार के लिए एंड स्कूटी बाइक के लिए जो मैन्युफैक्चर करती है। तो ये हो गया भाई अपना, ये शैम्पू यूज़ करता हूँ मैं हमेशा, आपको मैंने बता दिया। तो ये शैम्पू एक कार के लिए यूज़ होता है, तो मैं इसको अभी पूरा फुल यूज़ करूँगा कि पूरी स्कूटी जो है एक्सेस पूरी गंदी है, टायर वगैरह एलॉय वगैरह बहुत ज़्यादा गंदे है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि बहुत सारा शैम्पू यूज़ होगा, नहीं तो अगर आप रेगुलर वॉश करते हो जैसे कि हर हफ्ता वॉश कर रहे हो, गंदी नहीं है तो आप हाफ पाउच यूज़ करना है इसका, हाफ। ठीक है, जितना भी लिक्विड इसमें है 20 ml लिखा है तो 10 ml आप यूज़ करो अगर आपकी स्कूटी ज़्यादा गंदी नहीं है, नॉर्मल वॉश करते हो तो। अगर बहुत ज़्यादा गंदी है, डस्ट वगैरह चिपका हुआ है, जैसे यहाँ पे देख लो एग्जॉस्ट के पास पे, तो देखो ये जम गया पूरा, बारिश का जो कीचड़ होता है ना ये पूरा डिपॉजिट हो गया। तो भाई इसके लिए थोड़ा सा ये एक पाउच शैम्पू जो है आप यूज़ कर लो, ये 2 3 4 5 ये 5 वॉश तक आप इसको 5 बार वॉश करो, तब जाके स्कूटी जो है आपका जो कलर है वो रिस्टोर हो जाता है थोड़ा बहुत। ठीक है, और वैक्स तो इस पर है ही है। तो यहाँ देख लो मैंने पूरा सेटअप कर लिया है, मेरी
वॉशिंग जो है बटाली का वॉशर, इस पर वीडियो बनानी थी। बहुत सारे जो है सब्सक्राइबर इसकी वीडियो मांग रहे थे कि भाई ये मशीन में प्रॉब्लम आ रही है, बंद हो जाती है, 5-10 मिनट चलती है फिर बंद हो जाती है, प्रॉब्लम आ रही है। तो ये मशीन से मैं भी परेशान हूँ बहुत ज़्यादा। तो मैंने भी इसका बहुत सारा सोल्यूशन निकाला, वायरिंग वायरिंग चेंज की, वायरिंग मोटी डाली है, बहुत कुछ किया, फिर भी ये सोल्यूशन नहीं हुआ। इसकी वीडियो बनाऊँगा, मैं रिव्यू बनाऊँगा, क्योंकि मुझे लगे कि इसको 2 साल हो गए हैं, 2 साल का ओनरशिप रिव्यू। और इसकी जो प्रॉब्लम आती है, रुक जाती है मोटर जब चल चल के गर्म होकर के स्टॉप होती है, फिर चालू होती है, अपने आप ऑटोमेटिक होता है, कट ऑफ नहीं होता। इसकी वीडियो बनाऊँगा। तो ये सब जो है सेटअप मैंने रेडी कर लिया वॉशिंग का। और ये अपना शैम्पू, तो ये शैम्पू मैं पूरा घोल लूँगा। मेरे पास एक डब्बा है, ठीक है, एक कंटेनर जैसा है, तो ये कंटेनर में मैंने पूरा ये शैम्पू को डाल देना है, उसके बाद पानी मिक्स करना है। और मेरे पास वॉशिंग के सारे सेटअप हैं, कपड़े हैं, उसके बाद मेरे पास ये ब्रश हो गया। ये ब्रश से जो है टायर साफ करेंगे। ये जो टायर होता है आप देख रहे हो ना, ये टायर जो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, मिट्टी निकलती नहीं है, तो ये ब्रश में शैम्पू लेकर के टायर को रब करने के लिए। उसके बाद कपड़े हैं कुछ, ये फोम है, अगर आप कपड़ा यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप फोम यूज़ कर लो। तो मेरे पास ये फोम है, तो फोम से आप शैम्पू लगा लो, तो इससे स्क्रैच बहुत कम होता है फोम से, ठीक है। तो एक फोम हो गया, उसके बाद ये एंगल वाला ब्रश हो गया। एंगल ब्रश कहाँ पे काम आता है आपको बताता हूँ। जैसे ये आपका देख लो गियर बॉक्स हो गया, तो ये सब एरिया में आपका जो कपड़ा हाथ जाएगा नहीं, तो एंगल ब्रश है ये अंदर तक पूरा चल जाता है। तो शैम्पू लेकर के एंगल ब्रश से इसको क्लीन करने में हेल्प मिलती है, ठीक है। तो इस तरह का ब्रश भी है अपने पास पे, वॉशिंग का पूरा सेटअप। और ये रख माइक्रोफाइबर हैंड वाला ग्लव्स होता है जो, तो इसमें माइक्रोफाइबर्स या ये पॉइंट सब लगे हुए हैं, ठीक है। ये भी परचेज किया हुआ था, ये क्या लिखा हुआ, सोबी माइक्रोफाइबर क्लॉथ लिखा हुआ है, ये अमेज़ॉन मिल जाएगा आपको। तो ये ग्लव्स की तरह इसको हाथ में पहनना है। उसके बाद जो भी शैम्पू घोले इस पर डाला और गाड़ी को वॉश करना चालू किया, तो ऐसे ही होगा। ये सब अपने सेटअप्स है। तो अभी जो है अपना शैम्पू घोल लेते हैं पहले पानी पे पूरा कंप्लीट। तो पहले जो है मोटर स्टार्ट करके पहले प्रेशर से जितना मिट्टी डिपॉजिट है ना, प्रेशर से जो धार मार करके जितना जो डिपॉजिट है मिट्टी अंदर का, ये देखो अंदर में देख रहे हो ना अंदर कैसे जमा हुआ है मिट्टी। तो पहले जो है मिट्टी को क्लियर आउट करना है, जो जमा हुआ है उसको पहले क्लियर आउट करते हैं पीछे का। और ये फ्रंट में देख लो, ये फ्रंट का सब क्लियर करना है चक्के के पास में। ये देखो बैक साइड में मडगार्ड में कैसे मिट्टी जमा हुआ है, तो ये मडगार्ड के अंदर भी रहता है। तो उसको प्रेशर मार के इसको मिटा निकालना है पहले, उसके बाद फिर शैम्पू मारना स्टार्ट करेंगे। तो ये शैम्पू को मैंने काट लिया ऊपर से, ये देखो अंदर भाई येलो कलर का शैम्पू है। ये जो है पूरा पाउच को डब्बे में डाल लेना है। एक हाथ से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ भाई, एक हाथ से वीडियो बन रही है, एक हाथ से काम होगा, तो अकेले रिकॉर्ड करने में यही जा मिला थोड़ा सा। जितना हो सकता मैं आपको दिखाऊंगा वॉशिंग करके, ठीक है। ये देखो ये सारा शैम्पू आ गया, अब इसमें थोड़ा सा पानी मिला के इसको फेन कर लेते हैं। मैंने ये देखो बॉक्स में पूरा घोल बना लिया शैम्पू का, ठीक है। ये देखो ये पूरा बन गया फेना। और अभी जो है मोटर स्टार्ट करके पानी वाना स्टार्ट करेंगे भाई गाड़ी में। देखो प्रेशर आ गया, तो इसको थोड़ा धार कर लेते हैं। तो अभी क्या है यहाँ पे, ये प्रेशर वॉशिंग करना हो गया कंप्लीट, सारा मिट्टी निकल गया अंदर से, ठीक है। ये देखो यहाँ से मिट्टी निकल गया। तो पहले भी क्या करना है, शैम्पू जो यूज़ करेंगे पहले ऊपर बॉडी पे, ठीक है, ऊपर बॉडी क्लीन करेंगे, ऊपर का सारा जो है बॉडी। बाकी जो टायर वगैरह हो गया, साइलेंसर हो गया, उस साइड इंजन का बे हो गया, तो ये सब जो है ये लास्ट में करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है थोड़ा थोड़ा मिट्टी रहता है, तो मिट्टी जो है कपड़ा पे आ जाएगा, तो ये सब बॉडी पे स्क्रैच होने का चांसेस रहता है, कपड़े में मिट्टी जो है थोड़ा सा पार्टिकल्स फंस जाते हैं। तो ये रीज़न से पहले ऊपर का बॉडी वॉश कर लेंगे, ऊपर का जितना हो गया मडगार्ड बॉडी हो गई, फेयरिंग होगी, पीछे का बॉडी हो गया, इसको पहले वॉश करेंगे शैम्पू से। उसके बाद पे सबसे लास्ट पे जाके आपको टायर एलॉय या अंदर के जितने बॉडी पार्ट्स हो गए नीचे के उसको क्लीन कर। बना हुआ अपना शैम्पू का घोल, ठीक है, इसको थोड़ा सा और फेना कर लेना है। और अप्लाई करना स्टार्ट करना ऊपर के बॉडी पे, ठीक है। तो ये मैं क्लीन कर रहा हूँ, मैं अब इसका टाइम लैप्स देखो।
कंप्लीट, ठीक है। देखो ऊपर का बॉडी जो है पूरा क्लीनिंग हो गया, ठीक है, चेकआउट कर लो। ये देखो ये कैसा सब रिस्टोर होने लग गया, जो ब्लैक है सारा ब्लैक हो गया, ठीक है। यहाँ चेकआउट कर लो, देखो यहाँ एग्जॉस्ट ने मार दिया, पूरा ब्लैक हो गया, ठीक है। पीछे मडगार्ड देखो कितना गंदा था, पूरा ब्लैक हो गया, ठीक है। ये देखो डैशबोर्ड वगैरह पूरा ब्लैक अपना पोजीशन पे आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैं रेगुलर यूज़ करता हूँ इसको, ये शैम्पू को महीने में 5 बार धोने से ये जो है रिस्टोर हो जाएगा। देखो बॉडी कलर देख लो ये कैसे रिस्टोर हो गया, यही होता है प्रॉफिट आपका वैक्स शैम्पू यूज़ करने से। ये देखो ये मेरा कैसे वाइट हो रहा था, पूरा डस्ट जम गया था, ये देखो कैसे ब्लैक हो गया पूरा। जब पानी सूख जाएगा तब दिखाऊंगा, अभी नहीं, पानी लगा हुआ ऐसे ही, जब पानी सूख जाएगा तो आपको वॉकग्राउंड दिखाऊंगा ये सब का। ये देखो कलर चेंज हो गया कैसे। तो अभी जो है आपको ये क्लीन करना है मेरे को, अब इसका टायर क्लीन करना है, टायर अलॉय ये सैडल है बॉडी, तो ये क्लीन करनी है। तो अब इसका देखो आपने अभी रियर व्हील कैसे वॉश किया, अभी ये रियर साइड देखो भाई कैसे सब रिस्टोर हो गया ये सब, ठीक है। कितना गंदा होता था ये देखो, पूरा ब्लैक, ये जो ब्लैक पेंट किया था, ब्लैक का ब्लैक है, थोड़ा भी पेंट नहीं उड़ा, क्योंकि कॉस्मोस पेंट यूज़ किया ना भाई, तो पॉसिबल ही नहीं कि पेंट निकल जाए सब चीज़ का। ये देखो भाई टायर पूरा ब्लैक हो गया, जब सूखेगा तो फिर और पता चलेगा, अभी तो गीला है तो ऐसा लग रहा। ये देखो ये बैक साइड का, ये हो गया एग्जॉस्ट, ये हो गया टायर, तो अभी बचा हुआ अपना फ्रंट साइड का, ठीक है। तो अभी करते हैं फ्रंट साइड का, तो इसको क्लीन करते हैं। देखो भाई यहाँ पे कितना मिट्टी लगा हुआ, अभी भी क्लीन हुआ ही नहीं तो मिट्टी लगेगा ही ना, तो भाई चलो इसको भी सेम प्रोसेस से साफ करते हैं। पूरा ब्लैकिश देखो, ऐसा लग रहा है कि रिस्टोर हो गया पूरा। ये देखो थोड़ा पानी सूख जाएगा ना, फिर आपको जो इसका जो ब्लैक का फिनिश है ना वो दिखाएंगे, तो मालूम नहीं चल रहा आपको तो वो दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया सारा वॉश, एक बार लास्ट जो है पानी मार लेते हैं, तो ऑन करते भाई मोटर, लास्ट पानी जो है एक बार पूरा क्लियर कर देना, मार करके मिट्टी और सारा शैम्पू जो है वो निकल जाएगा अंदर भी, अगर अच्छा से मारना है। तो लगे यार, सोचा भाई डियो को वॉश कर लेते हैं, डियो भी रखी हुई थी, ये भी थोड़ी गंदी थी, तो सोचा इसको भी मार लेते भाई, थोड़ा कपड़ा वहाँ पे एक्सेस रखी हुई, वहाँ पे देखो ड्राई हो रहा है वो पानी निकल रहा है, और डियो पे भी सोचा थोड़ा सा शैम्पू बच गया था बहुत ज़्यादा बॉक्स पे, तो सोचा डियो पे ही मार देते हैं। तो गाइज़ यहाँ देखो फाइनली एक्सेस कम्प्लीटली ड्राई हो गया, ठीक है। तो यहाँ चेकआउट कर लो, देखो पहले कैसा दिख रहा था और अभी कैसा वॉशिंग के बाद, ये शैम्पू का कमाल देख लो भाई, ये जिससे वॉश किया देख लो क्या डिफरेंस लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि शोरूम से लेके आया स्कूटी, ठीक है। लग ही नहीं रहा है कि इस पर शैम्पू से वॉश हुआ, ऐसा लग रहा है कि पॉलिश मारा हुआ है कोई, ठीक है। ये देखो यहाँ पे टायर वगैरह देख लो, देख लो ये पूरा ब्लैक वापस से रिस्टोर हो जाता है। मैं तो अक्सर यूज़ करता हूँ शैम्पू को, हफ्ते में एक दिन तो लगाते ही, कभी कभी तो महीने में 5 दिन हो जाते हैं, तो रेगुलर वॉश करने से कुछ इस तरह से ही आता है। तो देख लो ये सब डैशबोर्ड देखो, ये अब सारा ब्लैक लग रहा है, ठीक है, क्योंकि वैक्स शैम्पू बोलते हैं इसको, तो एक तरह का वैक्स ही है ये। तो आप फर्स्ट टाइम यूज़ करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको 4-5 बार यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके देखो इस तरह का रिजल्ट आएगा, ठीक है। यहाँ चेकआउट कर लो, ये देखो इंजन कवर जो पेंट किया था ये कैसे ब्लैक आ रहा है, ठीक है। ये देखो फिनिशिंग देख लो भाई, शैम्पू का माल देख लो कैसा फिनिश आ रहा है इस पर। तो एक बार वॉक अराउंड दे दो आपको, यहाँ देख लो चेकआउट कर लो राइट साइड से, यहाँ देखो एग्जॉस्ट कवर, अंदर का एलॉय का शाइन देखो, पहले कैसा था और अभी कैसे है, ठीक है। तो शैम्पू काफ़ी बच गया था, तो लगे हाथ मैंने डीओ भी वॉश कर दिया, तो डीओ भी जो है वॉश हो गई, एक शैम्पू बच गया था तो इसको भी धो डाला। इसकी वीडियो आने वाली रिस्टोर की, और इसको भी रिस्टोर करना काफ़ी खर्चा है, इस पर 7-8 हज़ार रुपये खर्चा है, इसके पार्ट्स भी नहीं मिल रहे हैं, बहुत सारा पार्ट्स जो इसका चेंज करने वाला है, इंजन का, क्लच का, बॉडी पार्ट्स वगैरह क्रैक्ड है, सब चेंज होने वाले हैं, ठीक है। इसकी भी सीरीज़ आएगी वीडियो की, इंतज़ार करो, पार्ट्स मिल जाएंगे उसके बाद वीडियो आएंगे, हड़बड़ाओ मत। और यहाँ पे वॉशिंग की वीडियो मेरी हो गई, आपको जो सीक्रेट बताना था ये शैम्पू का ये बता दिया मैंने आपको, तो सबसे शेयर करना, ये शैम्पू से मैं वॉश करता हूँ आपका R5। हाँ जी भाई देख लिया ना वीडियो, मज़ा आ गया, मालूम चल गया कौन सा शैम्पू था यूज़ करता हूँ मैं, ठीक है।
तो आपको मालूम चले गया और आपने देख लिया वीडियो कैसे वॉश किया, बिफोर आफ्टर देख लिया आपने एक्सेस का, और डीओ भी जो है मैंने वॉश कर दी, आपको दिखा दी, ठीक है। तो साथ में शैम्पू जो बहुत ज़्यादा बच गया था उसका, एक शैम्पू पूरा पॉच यूज करके बहुत ज़्यादा बच गया था, तो लास्ट में सोचा कि थोड़ा डीओ भी चलो वॉश लगे हाथ काम कर देते हैं, डीओ भी वॉश हो जाएगी, बहुत दिन से रखी हुई है। तो आपने देख लिया रिजल्ट्स, तो ये शैम्पू जो यूज़ करें हमेशा वो क्लिनिक प्लस हो गया, बाकी जो जो शैम्पू एक रुपये दो रुपये का पाउच आते हैं सनसिल्क वगैरह आते हैं वो सब मत यूज़ करो, वो सब में भाई केमिकल्स रहते हैं, वो बॉडी के आपके ऊपर जो कोटिंग रहती है ना पेंट की वो ख़राब करेगा, वो डल कर देता है। तो जो स्पेशली वॉशिंग के लिए जो शैम्पू बनी है आप वही यूज़ करना है आपको, ठीक है। आपको मैंने दिखा दिया इसी स्टार का कार वॉश वैक्स शैम्पू, इसमें वैक्स है, उतना क्वांटिटी वैक्स नहीं, थोड़ा सा है, मतलब कि आपके जो स्कूटी है कुछ भी बाइक वगैरह उसमें थोड़ा सा चिकनापन दे देगा, ऊपर से लगेगा कि कुछ कोटिंग किया हुआ है। ये चार पांच वॉश करो महीने में, आपको मालूम चलेगा रिजल्ट ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो आपने भी देख लिया रिजल्ट कितना अच्छा परफॉर्मेंस है। तो होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, शेयर करें, सबको दिखाएं कि भाई ऐसा होता है, ये चीज़ भी अपनी वॉशिंग के लिए अवेलेबल है। तो समझ जाओ फिर आप, वीडियो करते हैं यहाँ पे क्लोज। टिल नाउ राइट सेफ, टेक केयर, सपोर्ट, शेयर दी वीडियोस एंड बाय बाय।